हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं आज हो चुका हूँ आपका नेक्स्ट वीडियो लेकर। आज के इस वीडियो में लोग बात करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो चल रहा है एक्सरसाइज 5.2 का है, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 को देखने वाले। इसके पहले वीडियो में हम लोगों क्वेश्चन नंबर 1 को देखा था, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात हम लोग को जानना है कि यहाँ पर क्या है, जैसे कि बोल रहे थे मिसिंग टर्म दिया है और मिसिंग टर्म को हम लोग को क्या करना, फाइंड करना है, निकालना है। तो यहाँ पर भी मिसिंग टर्म हमारा फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर ये मिसिंग टर्म है और यहाँ पर ये मिसिंग टर्म है, यानी ये दोनों नहीं दिया हुआ है, खाली जगह है। इन दोनों खाली जगहों को हम लोग को क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज हम लोग बात करेंगे कैसे निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो ध्यान देने वाली बात है, वो ध्यान देने वाली क्या बात है, ध्यान दीजिएगा। इन द फॉलोइंग टर्म्स इफ यू फाइंड द मिसिंग टर्म बॉक्स इन द बॉक्सेस, यहाँ पर बॉक्स में खाली जगह है उसको निकालना है। तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी। ओके, कोई दिक्कत। आप लोग लिखेंगे कि यहाँ पर कुछ कुछ टर्म्स जो गिवन नहीं दिया हुआ है वो तो दिया हुआ है, जैसे कि ए टू दिया हुआ और ए थ्री दिया हुआ है, क्लियर। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ए थ्री ए टू, अगर हम ए एन की जगह पर ए टू लिखे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब ए टू का हम लोग का वैल्यू दिया हुआ 13, ए टू का वैल्यू कितना दिया हुआ 13, ठीक है। अब यहां पर क्या लेंगे, यहां पर हम लोग 13 दिया हुआ है और यहाँ पर ए का वैल्यू नहीं दिया हुआ, ठीक है। ए का वैल्यू क्या दिया, नहीं दिया हुआ, तो ए को ए लिख देंगे, ओके। अब एन माइनस वन जो दिया हुआ है, ठीक है, एन माइनस वन यानी 2-1 और डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो डी का वैल्यू डी लिख देंगे। अब 13, अब 1 सॉरी ए प्लस यानी ए वन का जगह पर हम ए ही लिख रहे क्योंकि नहीं है वैल्यू, जानते नहीं है, इसलिए इसी तरह लिखेंगे। जो टर्म नहीं दिया उसको वहीं पर छोड़ देंगे, उसी तरह लिखते चलेंगे। अब यह दो में एक जाएगा तो वन बचेगा, ठीक है, और डी। आप 13, आप 1+1d या फिर d बोले, है ना, बात बराबर है, और इसको इक्वेशन 1 माने, ठीक है। आप लोग लिखते हैं a3 के लिए, सॉरी a4 के लिए, a1 2 3 4 है, फोर्थ का a4 लिखेंगे, क्लियर। तो a4 के लिए क्या हो जाएगा, a+n-1 into d। A4 में हम लोग क्या करेंगे, A4 का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो 3 लिख देंगे। A प्लस यहाँ पर भी वैल्यू A का लगेगा, लेकिन A का नहीं जानते, छोड़ देंगे। N माइनस 1, N की जगह पर वैल्यू यहाँ 4, यानी A4 ले रहा है ना, 10th टर्म कितना है, 4th टर्म है, ये कितना, कौन सा टर्म है, 4, तो यहाँ पर 4-1 into d, ओके। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखने वाली बात होगी कि ये जो 3 है, यहाँ पर 3 लिखेंगे, A प्लस, ठीक है, a प्लस, आप 4 में एक जाएगा कितना बचेगा, 3, ठीक है, और d, इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे। अब यहां पर सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो यहां पर सबट्रैक्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सबट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन, ठीक है। सबट्रैक्ट यहां पे इक्वेशन कर रहे हैं, 2 फ्रॉम 1 करना है, ठीक है, 2 से 1 को घटाना है, तो 2 से जब 1 को घटाएंगे तो वी ऑब्टेन हम लोग को मिलेगा, क्या मिलेगा, हम लोगों को क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ क्योंकि इसलिए इसकी कमी है, इसलिए शब्दों को खेल यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ, ऐसे आप लोग बोल दे रहा हूँ, उससे इसको आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग को सब्ट्रैक्ट करेंगे कहाँ से करेंगे, 2 from 1, ठीक है, 2 from 1 से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को पाएंगे, हम लोग पाएंगे क्या पाएंगे, वी ऑब्टेन क्या पाएंगे, देखिए अगर 3 में 13 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -10, ठीक है, -10 आ जाएगा, और यहाँ पर a और a दोनों कैंसिल हो जाएगा, 3d और यहाँ पे d कितना आ जाएगा, 2d हो जाएगा, 2d हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, d का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5, ठीक है, d इक्वल टू क्या आ जाएगा, वैल्यू -5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे पुट दिस वैल्यू, ठीक है, मैं यहाँ पे हल्का से लिख देता हूँ, यहाँ पर जगह है, पुट दिस वैल्यू ऑन इक्वेशन 1 पर हम लोग पुट करेंगे वैल्यू को, डी का वैल्यू,
ठीक है। तो यहां पर 13 और ए और यहां पर डी के जगह पर -5, क्लियर। अब यहां पर क्या करना है, 13, अब ये जो -5 है, अभी रुक जाइए, है ना, थोड़ा एरर की स्ट्रिप चल जाता है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब ये प्लस माइनस -5, 13 इक्वल टू 13 आप लिख लीजिए। अब ये -5 को मैं इधर लेकर आ रहा हूं, तो माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ए, तो ए इक्वल टू कितना हो गया, 18 हो गया। ए इक्वल टू कितना हो गया, 18, यानी पहला टर्म जो लोगों मिसिंग था वो ए इक्वल टू कितना निकल गया, 18 निकल गया। अब मैं इस जगह पर बना रहा हूं, इस जगह पर बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ए इक्वल टू 18 निकल गया, ठीक है। अब लोग क्या करेंगे, A3 हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। A3 निकालने के लिए फार्मूला पता है, A3 के लिए वही फार्मूला, एन के जगह पर यहां पर A3 लिखना है, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब यहां पर करना क्या है, तो देखिए ध्यान से, A3 जगह पर A3 का A3 कर देंगे, A कितना मिलोगे निकाले, हम लोगों ने 18 निकाले तो 18 लिख देंगे, एन के जगह पर 3 लिखाएगा, 3 माइनस 1, ठीक है, और D का जगह पर भी क्या लिखाएंगे, -5। A3 यहां पर 18 हो जाएगा और यहां पर 3 में जब 2 चला जाएगा कितना बचेगा, सॉरी 3 में जब 2 नहीं, 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा, उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट बोल दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये -5। अब 2 और -5 आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए ये ब्रैकेट इनटू है यहां पर, ठीक है, याद रखिएगा, ये मल्टीप्लाई होगा यहां पर, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18 प्लस 2 और 5 में जब गुणा होगा तो -10 बनेगा, ठीक है, नेगेटिव आएगा वैल्यू, और A3 बराबर 18 और प्लस माइनस -10, ठीक है, यहां पर माइनस हो जाएगा तो A3 बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो हम लोगों ने मिसिंग टर्म को खोज लिया स्टूडेंट्स, तो लिखेंगे हेंस द मिसिंग टर्म 18 एंड 8, ये दोनों ही मिसिंग टर्म था, यहां पर आपका 18 हो जाएगा और यहां पर आपका 8 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई प्रकार का दिक्कत हो प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नंबर पर आप कमेंट कर सकते हैं, वहां पर भी आप लिख सकते हैं, आपको वहां पर भी सुविधा मिलने वाली है। हमें दीजिए इजाजत, अगले वीडियो पर हाजिर होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 लेकर, धन्यवाद।